यदि आप कानून के पहलू को लेते हो तो कोई भी आदमी वो किसी के साथ भी लिविंग में रह सकता है। यदि ज्योति मौर्य के अपने पति से विचार नहीं मिल पा रहे हैं या उनकी पारिवारिक कोई भी समस्या है, उनके साथ उनकी दोस्ती है या रहन सहन है, तो वो रह सकती हैं। एज पर लॉ तो ये कहता है कानून, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशन है वो यही कहती है उनका जो केस है कि वो कोई भी आदमी किसी का भी पति या किसी की पत्नी रह सकते हैं। आती है सामाजिक आदमियों को समाज में, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। सामाजिक प्राणी जो है वो समाज के लोगों से मिलकर बना है। समाज में रहने के कुछ कानून हैं, मतलब कुछ कायदे हैं जो समाज ने खुद बनाए हुए, कस्टम्स है, रीति रिवाज है। अब SDM बनने के बाद में यदि वो इस तरह से अपने पति को धोखा देती है और वो कहती है मेरे स्टेटस में आप छोटे हैं, आप 4th class में हैं और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, क्लास 1 ऑफिसर से शादी करना चाहती हूँ, तो वो समाज की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। वीडियो बहुत वायरल हो रही है SDM ज्योति मौर्य की, लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहुओं को मत पढ़ाओ, ये कैसा नया एकदम से लोगों में आ गया है नया। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों बात ज्योति मौर्य की जो स्टोरी चल रही है जनाब, वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए एज पर लॉ, इसके दो पहलू हैं, एक सामाजिक पहलू और एक है कानून का पहलू। यदि आप कानून के पहलू को लेते हो तो कोई भी आदमी वो किसी के साथ भी लिविंग में रह सकता है। यदि ज्योति मौर्य के अपने पति से विचार नहीं मिल पा रहे हैं या उनकी पारिवारिक कोई भी समस्या है या उनके नहीं मिल पा रहे विचार, और ज्योति मौर्य के कोई फ्रेंड है दुबे वगैरह करके जो भी यहाँ गाजियाबाद में पोस्टिंग है, IPS ऑफिसर है, उनके साथ उनकी दोस्ती है या रहन सहन है, तो वो रह सकती हैं। एज पर लॉ तो ये कहता है कानून, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशन है वो यही कहती है उनका जो केस है कि वो कोई भी आदमी किसी का भी पति या किसी की पत्नी रह सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने पति से खुश नहीं रह सकती होगी, शायद उनके प्रॉब्लम हो, दारू पीते हों, परेशान करते हों, मार पिटाई करते हों, शोषण करते हों, मेंटली फिजिकली उनका शोषण करते हों, है ना, तो इसलिए उनके साथ नहीं रहना चाहते। फिर एक बात आती है स्टेटस की, क्योंकि वो चपड़ा, वो उस समय सफाई का काम करते हैं, फोर्थ क्लास के उनके हस्बैंड जो वो हैं अब कर्मचारी, और जो ज्योति मौर्य है वो क्लास 1 ऑफिसर बन गई है, SDM जो आदमी है, तो उसका स्टेटस में भी फ़र्क पड़ जाता है। अब उनके स्टेटस और इनके स्टेटस में जो जमीन आसमान का अंतर है, तो यदि इस हिसाब को एज पर लॉ जो मैंने बताया वो रह सकते हैं। अब आती है सामाजिक आदमियों को समाज में, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। सामाजिक प्राणी जो है वो समाज के लोगों से मिलकर बना है। समाज में रहने के कुछ कानून हैं, मतलब कुछ कायदे हैं जो समाज ने खुद बनाए हुए हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं। इसका मतलब यदि वो देखा जाए जो उनका कहना है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ में अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल करा कि वो आज SDM है। अब SDM बनने के बाद में यदि वो इस तरह से अपने पति को धोखा देती हैं और वो कहती हैं मेरे स्टेटस में आप छोटे हैं, आप 4th class में हैं और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, क्लास 1 ऑफिसर से शादी करना चाहती हूँ, तो वो समाज की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। फिर आती है बच्चों को लेकर, उनकी दो बेटियाँ हैं, 8-9 साल की हैं, उन बेटियों का क्या होगा यदि फादर का प्यार नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो भी बहुत समस्या है बच्चों को लेकर। तो ये पहलू है और अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सामाजिक तरीके से देखा जाए तो जो मैंने बताया वो तरीका गलत है, और यदि कानूनी रूप से देखा जाए जो भारत में चल रहा है तो वो किसी के साथ रह सकती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि उन्हें किसी के साथ रहना है तो प्रॉपर तरीके से पहले अपने पति से डाइवोर्स लें, डाइवोर्स लेने के बाद वो किसी से भी शादी कर सकती हैं एज पर लॉ जो कानून कहता है हमारा। वो किसी के साथ शादी करें, किसी के साथ रहें, क्या है वो उनकी अपनी समस्या है। लेकिन बात क्या आती है, बात समाज में ये आती है कि अब आती है कि जो महिलाएँ हैं यदि उच्च वर्ग की महिलाएं इस तरह का कोई काम करती हैं तो उनकी बात को पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया जाता है। अब वो समाज की बात है, मौर्य OBC समाज में आते हैं या ऐसी समाज में जिस समाज में आते हैं, वो समाज के लोग यदि इस तरह की कोई घटना कोई आती है तो उसको बात को जानबूझकर और उछाला जाता है और उन्हें पब्लिकली उन्हें डिस्प्ले किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को ये उनके दिमाग में आए कि ये देखो इस तरह के OBC कास्ट के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी से बन के ऊपर आ गए हैं, तो इन पर जो है जो सफलता है उनके सिर चढ़ गई है, वो उन पर मतलब झिल नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। और ऐसे ही उनका पति का भी यही हाल है कि भाई वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्योति मौर्य की नौकरी छूट जाए, बहुत सारी बातें। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, अब मर्जी है ज्योति मौर्य की, वो रह सकते नहीं रह सकती। अब बात यह है कि धोखा देने वाली बात है, अरे धोखा तो इस समाज को, पहले इस देश को आज नहीं दे रहे क्या धोखा, बताइए आप कौन नेता या कौन समाज का ऐसा कार्य करता है जो अपने समाज को धोखा नहीं दे रहा हो। यहाँ पीछे भी यदि देखा जाए
पीछे के राजाओं को या उनको तो भाई के भाई को काट के ऊपर गए हुए, तो ये तो पति पत्नी का मामला है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया है, वो तैयारी कर रही थी यूपीएससी, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। यदि एक की पत्नी ने कुछ ऐसा हो गया, उन दोनों मियां बीवी के बीच में कुछ इस तरह की कुछ वारदातें हुई है, तो क्या सभी पत्नियां या सबकी पत्नियां, सबकी किसी न किसी की बेटी या किसी किसी की पत्नी किसी की बहन होती है, क्या वो सब ऐसी थोड़ी हो जाएंगी? आप बताइए, ये बिल्कुल गलत है। ये जो टैग जो चला रखी है कि भाई बेटियों को पढ़ाएं पर पत्नियों को ना पढ़ाएं, वो मैं इस बात के सरासर बिल्कुल निराधार हैं, वो अच्छी बातें नहीं है समाज के लिए, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए वो बढ़िया नहीं है नारा। लोग ज्योति मौर्य का तो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ा था, सावित्रीबाई फूले को, स्कूल कॉलेज खोले थे उन्होंने, शिक्षिका रही है पहली देश की वो। अब समस्या क्या है कि हमारा जो पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान समाज है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि समाज की महिलाएं पढ़ लिख कर ऊपर आएं, वो देश चलाएं या जुडिशरी को चलाएं या व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और मतलब जो भी हमारे अंग हैं सरकार के, उन्हें वो चलाएं, उनकी हिस्सेदारी हो समाज को चलाने में। पुरुष प्रधान देश को ये खासकर मैं उस उन वर्ग की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमेशा से विरोध किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल बनाया था तो उस समय भी बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब ने कहा था कि जिस देश की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, जिस समाज की बेटियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, उस समाज का या उस देश का डेवलपमेंट उस स्तर से ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने छूट दी इनको, कहते हैं कि बाबा साहब ये बना के वो बना के। अरे जब तक महिलाएं का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप बताइए कि समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? आप इस तरह की घटनाओं को लाकर, एक इस तरह की किसी इंसिडेंट को लेके आप सभी महिलाओं का जो रास्ते बंद करना चाहते हैं, शिक्षा के रास्ते बंद करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अब आती है बात ये कि हमारे समाज की महिलाएं या ओबीसी समाज की महिलाओं को क्यों ज़्यादा उड़ाया जाता है? भाई और दूसरे समाज की महिलाओं की पंडितानी है, ब्राह्मणी बने नहीं, ठाकुरानी खूब दो दो तीन तीन शादी कर रही हैं, पति रहते हुए लिविंग में रह रही हैं, और अधिकारी रहते हुए भी उनकी बातों को तो नहीं उड़ाया जाता, उनकी बातों को तो दबा लिया जाता है। तो ये इनकी मानसिकता भी कुछ लोगों की ऐसी है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में नंगा किया जाए, उन्हें उड़ाया जाए, जो सरासर गलत है। जो भोजपुरी कलाकार है, गायक हैं, जो नचनिया टाइप के लोग हैं, उन्होंने भी वीडियो बना दिए हैं ज्योति मौर्य पर। आप बताइए उनका करेक्टर क्या, ज्योति मौर्य का करेक्टर उनसे भी नीचे गिरा हुआ है क्या करेक्टर? उसकी लड़ाई तो अपने पति के साथ ही है, उसका कुछ और मतलब होता है नहीं। अब वो किसी दूसरे से साथ रहना चाहती है, शादी करना चाहती है, कुछ भी है, तो उसकी आज़ाद देश के नागरिक हैं, आज़ाद नागरिक हैं, भारत के संविधान में सबको अधिकार मिले हुए हैं और सबको आज़ादी है कि वो अपने पति से डाइवोर्स लेकर नहीं है खुश अपने पति के साथ, तो किसी और के साथ शादी कर सकती है। अब बात आती है कि लोग किस तरह के, जो नाचने वाले लोग हैं या फिल्म बनाने वाले लोग हैं, आए दिन फिल्मों की जो एक्ट्रेस हैं, हीरोइंस हैं, वो कह रही है हमारा शोषण हुआ है, हमारा फिजिकली शोषण हुआ है, तब हमें फिल्म मिली है, तब हमारा पार्ट वो मिला है, रोल मिला है। तो वो आए दिन डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन्स हैं, हीरो हैं, उन पर सब एलिगेशन लगा रहे हैं, पीछे पीछे खूब आए। एक टैग भी चली थी, आपने देखा होगा, जो फिल्म इंडस्ट्री, हाँ, मी टू का जो चला था, वही तो था। मेरा कहना ये है कि महिलाएँ यदि जाती हैं तो महिलाओं पर एक झूठा आरोप कोई भी लगा सकता है। ये आरोप लगाना सबसे हल्का और सिंपल आरोप है, किसी भी लड़की या किसी भी महिला को चरित्रहीन घोषित कर देना या उसके चरित्र पर दाग लगा देना या उसके चरित्र पर कोई एलिगेशन लगा देना, पुरुष जो है, पुरुष के लिए सबसे आसान तरीका है किसी को बदनाम करने का, जो सही नहीं है। इस पूरे मामले में मनीष दुबे को कहीं जो है नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ ज्योति को निशाना बनाया जा रहा है। मनीष दुबे जो वो पंडित है, वो ब्राह्मण कास्ट से है, वो ओबीसी है, मौर्य। आप बताइए ओबीसी और मौर्य की दोस्ती को वो कैसे उछालेंगे? बल्कि देखा जाए तो गलती तो उनकी भी है, क्यों वो भी शादीशुदा हैं, एज पर लो देखा जाए था, यदि देखा जाए तो अडल्ट्री में रह रही है वो तो। लेकिन अडल्ट्री को तो ख़त्म कर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, भाई 497 जो अडल्ट्री है 497 में, उसे तो ख़त्म कर दिया। अब उसे जब ख़त्म कर दिया तो पति पत्नी भाई किसी के साथ भी रह सकते हैं, तो एज पर लो तो कानून में तो कोई प्रोविजन है नहीं कि नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। सस्पेंड कर दी गई है फिलहाल। अब वो दिखाने के लिए या ऐसा कर दिया हो तो वो गलत है, सस्पेंड करने का तरीका भी गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, जो नहीं बनता बिल्कुल भी। एज पर लो सस्पेंड कैसे कर दिया भाई? पति पत्नी की लड़ाई थी उनकी आपस में, क्या हो गया?
तो उसमें ये थोड़ी है कि आप सस्पेंड कर दोगे किसी को। मध्य प्रदेश में निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर रही है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि छुट्टी नहीं दी गई थी। निशा बांगरे के बौद्धिस्ट परिवार से हैं और वो अपना बौद्धिस्ट रीति से अपने घर का इनॉग्रेशन करना जा रही थी। मैं आपको बताऊं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं या बौद्धिस्ट लोग हैं या पढ़ लिख कर जो मेहनत करके ऊपर लोग आए हैं, यदि आप भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बात करोगे या उनसे रिलेटेड कोई भी है, उन्हें नौकरी करना भारी हो रहा है इस समय। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बीजेपी की चल रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट में सेंटर में चल रही है और मध्य प्रदेश में चल रही है। जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही है और वहाँ जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग सर्विस कर रहे हैं, उनका जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने, हिंदू वाहिनी वालों ने और खासकर इन्होंने बीजेपी वालों ने। उन्हें नौकरी डबल मेहनत करनी पड़ रही है, उन्हें नौकरी के एक मिनट में सस्पेंड कर देते हैं, एक मिनट परमिनेंट कर देते हैं, नौकरी से बाहर निकाल देते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या होगी आप बताइए। ये विडंबना है कि ऐसी सरकारों को हम लेके यहाँ आ रहे हैं जो लोगों के फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। देश से प्यार नहीं, लोगों से प्यार नहीं, लोगों का फ्यूचर उन्हें तबाह करा दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं 2024 में यदि इस तरह से फिर रिपीट मारती है गवर्नमेंट तो फिर लोगों को इस तरह से परेशान करेगी। तो इसलिए इस तरह की मानसिकता वाले लोग, मनुवादी मानसिकता वाले लोग और अंधविश्वासी वाले लोग, ऐसे लोगों को सरकार में नहीं लाना चाहिए। इन लोगों की सरकार, ऐसे लोगों की सरकार नहीं बननी चाहिए जो नारियों के खिलाफ में मुहिम चलाते हों या नारी विरोधी हों, उनके डेवलपमेंट के लिए विरोधी हों। इन्हीं के लोग नारियों को कहते हैं कि जींस की पैंट पहन रही हैं या वो हाफ निक्कर पहन रही हैं, या इन्हीं के लोग कहते हैं कि भाई जब ऐसे कपड़े पहनेंगी तो रेप तो होंगे ही, लड़के तो ये करेंगे वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि कमी महिलाओं में नहीं है, कमी तुम्हारी आँखों में और तुम्हारी इस खोपड़ी में, जो बुद्धि में गंदगी भरी हुई है तुम्हारी में, जो तुम इस स्तर से, इतने नीचे स्तर से सोचते हो, वो सरियाम गलत है और महिलाओं के खिलाफ है। इन लोगों को मैं तो महिलाओं से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों को वोट ना दें, ऐसे लोगों को सरकार में ना लाएं जो तुम्हारे विरोधी हो, जो तुम्हारे डेवलपमेंट के रास्ते को बंद करते हो। लेकिन यदि आप तुलसीदास होते तो वो क्या सोचते? उन्होंने नारा दिया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी। उनके अकॉर्डिंग तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिलना चाहिए। यदि तुलसीदास जी की जो उनकी वो है तो चौपाई है, यदि चौपाई को देखा जाए तो जो महिलाएं हैं शूद्र हैं, उनको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है एज पर उनकी चौपाई के अनुसार, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, वे होते तो क्या क्या करते। पर लेकिन एक यहाँ बाबा साहब पैदा हुए जो सबके बाबा थे, उन बाबा साहब ने मेहनत करके एक भारत का संविधान बनाना, पूरा संविधान उसी से चलता है, पूरा देश उसी से चलता है। यहाँ के लोग और यहाँ की जितने भी यहाँ रहने वाले नागरिक हैं सबको असमान अधिकार है, उन्हें पढ़ने लिखने का सब चीज़ का अधिकार है। आज महिलाएँ तुम देख रहे हैं आज आसमान तक सैर कर रही हैं, महिलाएँ हवाई जहाज़ चला रही हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जस्टिस हैं। कुछ क्षेत्र में महिलाएँ नहीं हैं और जिस क्षेत्र में महिलाएँ नहीं हैं उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ है पूरी तरह से। आज फिल्म इंडस्ट्री ऊपर है तो महिलाओं के बिना, यदि महिलाओं को फिल्म इंडस्ट्री में से निकाल दिया जाए तो ये भंडेला क्या करेंगे, नाचते फिरेंगे, इनका क्या ढोंगे नमटका जाओ, कौन पूछ रहा है हीरो ने दी महिलाएं नहीं होंगी। तो यदि एक्टर नहीं हुई फिल्म में तो कौन पूछ रहा है इन भंडेला ने नाचते फिरो 10-10 रुपये में, कौन पूछ रहा है इन्हें बताइए। तो महिलाओं की बदौलत है जो हमारे समाज में इतनी सुंदर बहन बेटी पैदा हुई, जिन्होंने फिल्म बनाने का काम किया, जिन्होंने देश को संभालने का काम किया। मैं तो ये कह रहा हूँ देश में 75% महिलाओं को पोस्ट दी जाए और वो भ्रष्ट भी कम होती हैं, वो भ्रष्टाचारी कम होती हैं, वो घोटाले कम करती हैं। सबसे ज़्यादा घोटालेबाज ये मर्द ही ज़्यादा होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ जो पहुँचे हुए हैं। और यदि कोई मर्द, ये इन्हें चरित्र पर निशान लगाता, कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष यदि औरत की तरफ ना देखेगा तो औरत क्या अपना आप ही कर लेगी, कुछ भी बताइए आप, गलती किसकी है? कहीं ना कहीं पुरुषों की मानसिकता की गंदी है, उनकी 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 जो सोच है, उनकी जो आँखें हैं, उनका जो चरित्र है पुरुषों का, वो कहीं महिलाओं के अपेक्षा बहुत ही गलत है। और ये जो महिला विरोधी जो लोग हैं या गैंग चला रखे हैं, ये बंद होने चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से। और ऐसे लोगों के मुंह पर पाबंदी लगनी चाहिए। महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी दी जाएगी, यदि 10 महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी तो एक आधा केस तो इस तरह का आएगा ही, 9 महिलाओं का रास्ता बंद नहीं कर सकते आप। या 100 महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी तो एक इस तरह का कोई कांड होता है तो 99 महिलाओं के फ्यूचर को आप बर्बाद नहीं कर सकते। तो इसलिए साथियों, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए, उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सम्मान और बेटियों को निधि, और बेटियों को, बहुओं को भी मैं तो कहूँ बेटी बहुओं को पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो एक ज्योति मिश्रा का केस है वो उस पर कहीं नहीं टिक पाता साथियों। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।